हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं पिक्सल लैब ऐप पर फोटो के बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन को हटाने का तरीका बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मैं लिए चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्सल लैब ऐप पर फोटो के बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप स्क्रीन के बीचों बीच नज़र आ रहे टेक्स्ट को हटाने के लिए ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में नज़र आ रहे डिब्बे वाले आइकॉन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो आप ओके कर दें। ओके करने के बाद देख सकते हैं टेक्स्ट हट चुका है। अब अगर आप यहां पर साइज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऊपर की ओर राइट साइड में नज़र आ रहे थ्री डॉट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो आप इमेज साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहां पर कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर भी बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो आप अपने अनुसार यहां पर साइज सेलेक्ट कर लें। तो मैं अपना फ़ोटो 1:1 पर ही एडिट करता हूँ, तो इतना ही रहने देता हूँ। तो इसके लिए कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, कोई भी साइज सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए नीचे की ओर नज़र आ रहे राइट साइड में दो वर्गाकार चित्र पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो आप लेफ़्ट साइड की ओर स्लाइड करें। स्लाइड करने के बाद गैलरी में से फ़ोटो लेने के लिए आप फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इस तरह से बहुत सारा फ़ोटो आएगा, तो आप यहां से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप डाउनलोड फ़ोटो लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में नज़र आ रहे थ्री लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर बहुत सारा फाइल आएगा, तो आप जिन फाइल में से फ़ोटो लेना चाहते हैं उन फाइल के ऊपर क्लिक करें। तो चलिए मैं इमेज फाइल से ही लेना चाहता हूँ, तो चलिए इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी बहुत सारा फाइल ओपन होकर आएगा, तो आप जिन फाइल में से यहाँ से फ़ोटो लेना चाहते हैं उन फाइल के ऊपर ही क्लिक करें। तो चलिए मैं डाउनलोड से लेना चाहता हूँ, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद चलिए किसी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड के लिए। तो चलिए इस झरने वाले फ़ोटो को ले लेते हैं, तो क्लिक करते हैं इसके ऊपर ही। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रॉप कर ले अपने अनुसार। क्रॉप करने के बाद नीचे की ओर राइट साइड में नज़र आ रहे सही के निशान पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं बैकग्राउंड फ़ोटो लग चुका है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन वाले फ़ोटो को लगाने के लिए ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में नज़र आ रहे प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो आप फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर फ़ोटो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड वाला फ़ोटो कहीं और है तो इसके लिए आप ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में नज़र आ रहे थ्री लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिन फाइल में से आप फ़ोटो लेना चाहते हैं उन फाइल के ऊपर ही क्लिक करें। तो चलिए मैं इमेज वाले फाइल से ही लेना चाहता हूँ, तो इमेज वाले फाइल के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड वाला फ़ोटो कैमरा पर है, तो कैमरा वाले फाइल पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट कर लेते हैं, तो देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड वाला फ़ोटो मिल चुका है, तो इस पर ही क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब इस फ़ोटो को सीधा करने के लिए नीचे की ओर लेफ्ट साइड में नज़र आ रहे तीर से बने दो सर्कल देख सकते हैं, जो कि एक लेफ्ट साइड में है और दूसरा राइट साइड में है। अगर आप लेफ्ट साइड में नज़र आ रहे तीर से बने सर्कल को आप क्लिक करते हैं तो फ़ोटो सीधा हो जाएगा। देख सकते हैं सीधा हो चुका है। फ़ोटो सीधा होने के बाद यहाँ पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने अनुसार। एडजस्ट करने के बाद नीचे की ओर ही नज़र आ रहे राइट साइड में सही के निशान के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आप अपने अनुसार फ़ोटो को एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद अब फ़ोटो के बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए नीचे की ओर नज़र आ रहे छः कोण वाले गोलाकार के ऊपर ही क्लिक करें, यानी कि सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो इसे लेफ्ट साइड की ओर स्लाइड करें ऐसे खींचकर। खींचने के बाद अब आप इरेज कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, यानी कि आदमी का चित्र जो बना है इस पर ही क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद
इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के लिए नीचे की ओर नज़र आ रहे इनेबल्ड वाले ऑप्शन के ठीक सामने राइट साइड में नज़र आ रहे बटन पर ही क्लिक कर दें। क्लिक करते ही देख सकते हैं इनेबल हो चुका है। अब आप नीचे की ओर ही नज़र आ रहे देख सकते हैं बहुत सारे सर्कल नज़र आ रहा है, इस पर एक नंबर वाला एक सर्कल है, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लें, इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आप एक नंबर वाले सर्कल के ठीक सामने बगल में नज़र आ रहे ब्रश वाले सर्कल के ऊपर ही क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से चेहरे के ऊपर सर्कल आ जाएगा। अब इस सर्कल को ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ले जाएं। ले जाने के बाद नीचे की ओर ही नज़र आ रहे ब्लू कलर में सही के निशान के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन हट चुका है। वहीं अगर फोटो के बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत ग्रीन स्क्रीन नज़र आता है तो इसे पूरी तरह से हटाने के लिए टॉलरेंस वाले ऑप्शन के ठीक नीचे नज़र आ रहे लाइन को आगे पीछे खींचें। खींच करके आप पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन को, इस तरह से आगे पीछे करके रिमूव कर सकते हैं पूरी तरह से। वहीं अगर फोटो के किनारे में रह जाता है ग्रीन स्क्रीन तो किनारे वाले ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए नीचे की ओर स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद स्मूथ एज वाले ऑप्शन के ठीक नीचे नज़र आ रहे लाइन को आगे पीछे खींच करके आप पूरी तरह से किनारे वाले बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन को हटा सकते हैं। हटाने के बाद अब आप नीचे की ओर ही नज़र आ रहे राइट साइड में सही के निशान के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब ग्रीन स्क्रीन पूरी तरह से हट चुका है। अब फोटो को सेव करने के लिए ऊपर की ओर राइट साइड में नज़र आ रहे थ्री लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आएगा तो आप एक्सपोर्ट इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा तो आप नीचे की ओर नज़र आ रहे सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ गैलरी में फ़ोटो गया है या नहीं। रिसेंट देख सकते हैं, रिसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फ़ोटो गैलरी में आ चुका है। सो फ्रेंड, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप भी किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन को हटा सकते हैं और आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।